नेक्स्ट थिंग इज पॉइंट नंबर थ्री, दैट इज इन सम केसेस डिफिकल्टी, इन सम केसेस डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आर इम्पोज्ड बाय द बैंक फॉर ग्रांट ऑफ लोन. फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज ऑन सेल और द मॉर्गेज ऑफ द गुड्स. दैट मीन्स द प्रॉपर्टी यू हैव कैप्ट ऑन द मॉर्गेज बेसिस ऑन विद द बैंक, द बैंक कीप्स चार्ज ऑन दैट एसेट्स. दैट मीन्स अब क्या होगा, जो प्रॉपर्टी एक बार मैंने बैंक के पास मॉर्गेज कर दी, अब मैं उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता जब तक मैं बैंक का पूरा अमाउंट रिटर्न नहीं कर देता. दैट मीन्स द राइट ऑफ द बैंक हैज बीन क्रिएटेड ऑन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. जब तक मैं उस राइट से रिलीज नहीं होता, तब तक बैंक के पास वो प्रॉपर्टी रखी रहती है. उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे राइट्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. The financial institutions are generally maintained or formed by the government organizations or by the government. There are various types of organizations which are running and managed by the government. As we have already seen, that is LIC, IDBI. ये एक ऐसे institutions हैं जिनको manage कौन करता है, government करती है. और इनका सारा control किसके पास रहता है, government के पास. इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, हमें पता है कि भाई गवर्नमेंट जब काम कर रही है तो किसके लिए कर रही है, वेलफेयर के लिए. तो ये इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं. सेकंड चीज, आपको जिस टाइम फंड्स की जरूरत होती है, कहां कहां आपको इन्वेस्ट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. और अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो आपको फंड्स भी अवेलेबल करवाते हैं. राइट नाउ देयर आर द फ्यू मेरिट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट थिंग इज, financial institutions provide long term finance which are not provided by the commercial banks. These institutions are developed by the government, so it is beneficial for me as a businessman to take the loan for the long duration from these kinds of institutions. देखिए ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा stable होते हैं. ये जनरली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं. तो जनरली जो बैंक के साथ प्रॉब्लम होती है कि बैंक अपना फंड्स ज़्यादा टाइम के लिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खत्म कर देते हैं. अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फंड्स की जरूरत है तो हम इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं. राइट नेक्स्ट थिंग इज, बिसाइड प्रोवाइडिंग द फंड्स, many of these institutions provide financial and managerial and technical advices. These institutions provide financial, managerial and technical advices. That means these institutes also provide you the following advices for providing the funds, for using the funds, and how you can generate the return from these kinds of funds. That means aapke financial assistance bhi ye institute aapko provide karwate. राइट जैसे हमें कमर्शियल बैंक एडवाइस दे रहा था, वैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्या करते हैं, हमें एडवाइस देते हैं ताकि जो फंड हमने बोरो किया है वो क्या हो, उसका लॉस ना हो, वो एक ऐसी जगह इन्वेस्ट ना हो जहां से हमें कुछ भी रिटर्न ना मिले. नेक्स्ट थिंग इज, ऑब्टेनिंग द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द बोरोइंग. दैट मीन्स इफ यू आर टेकिंग द इंस्टीट्यूट फ्रॉम द, वी टेक द फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इट इंक्रीज द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्रीज द मार्केट रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म. क्योंकि हमने किसी एक ऐसे पर्सन से लोन नहीं लिया जो क्या है, एक इंडिविजुअल है. राइट ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लोन देने का ही काम कर रही है, तो इसका मतलब जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको लोन दे रहा है, इसका मतलब आपकी कंपनी की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है. एक इन्वेस्टर इजीली आपकी कंपनी में क्या कर लेगा, ट्रस्ट कर लेगा. अ रीपेमेंट ऑफ द लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट, इट डज नॉट प्रूव टू बी मच बर्डन ऑन द बिजनेसमैन. दैट मीन्स यू कैन रीपे द अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट. आप उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप उसका पूरा अमाउंट एक साथ दें. जैसे जैसे आप अपना पेमेंट करते जाएंगे, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उस पर्टिकुलर रिमेनिंग अमाउंट पे ही लगेगा. आपको पूरे अमाउंट पे लोन के इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट इज, द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल. मींस अगर हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, डिप्रेशन वाला सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बैंक्स क्या करती है, अपने फंड्स को रिकवर करने का काम करती हैं और फंड्स कम देना पसंद करती हैं. क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रिकवरी बहुत लेट होती है,
लोगों के पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लोगों को अपने फंड्स रखने में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द फंड्स टू दी बिजनेसमैन। उनको इससे मतलब नहीं होता कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, सप्रेशन चल रहा है, उससे उनको कोई भी मतलब नहीं होता। उनका काम है असिस्टेंस प्रोवाइड करना, तो हर सिचुएशन में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आर द लिमिटेशंस। Now, what are the limitations of the commercial banks? Let's have a look. Financial institutions follow the rigid criteria of granting the loan. Too many formalities make the procedure time consuming. That means, if you are taking the loan from the financial institution, there are various types of paperwork. बहुत सारी formalities होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है। वो formalities किस लिए होती है कि भाई जो loan आप ले रहे हो उसको return करोगे। एक security की तरह इस documentation process कराया जाता है, और ये जो documentation process होता है बहुत ज़्यादा lengthy होता है। अगर आपको बहुत immediate requirement है funds की, तो आप financial institutions के पास नहीं जा सकते, ठीक है। Next thing is, certain restrictions such as restrictions on the dividend payment are imposed on the powers of the borrowing company. That means, if we want to declare the dividend while we have already taken the financial the loan from the financial institution, then it gives the restriction on that company. क्या होता है, एक restriction impose कर दिया जाता है। अगर आप डिविडेंड पेमेंट करना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको रोक सकते हैं। ये बोलेंगे पहले आप हमारा पेमेंट कीजिए, हमारा जो इंटरेस्ट बनता है उसका पेमेंट कीजिए, उसके बाद ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बिना आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैव देयर नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी। दैट मींस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट एन इंडिविजुअल इन दैट कंपनी हु हैज टेकन द लोन फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, तो एक पर्सन ऐसा आके आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा जो आपके डिसीजंस को देखेगा। इसका मतलब कंपनी के ऊपर अननेसेसरी क्या आ गया, एक बर्डन आ गया, एक ओवरलुक आ गया, एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन आ गई कंपनी के ऊपर कि भाई अब हर चीज हमें इस पर्सन के साथ कंसल्ट करनी पड़ेगी। दैट मींस हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कहीं पर आके क्या हो जाएगी, सक्रीफाइस हो जाएगी। वो पर्सन हमारी इस इंफॉर्मेशन का गलत यूटिलाइजेशन कर सकता है, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। नाउ द कंपनी हैज टेकन द लोन फ्रॉम द इंडियन मार्केट, नाउ जितना वो उसकी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से लोन ले चुका है। अब वो जो बिजनेसमैन है वो चाहता है कि मैं लोन कहां से लूं, आउटसाइड इंडिया से बोरो करूं, तो उसी का नाम क्या है यहां पे, उसी का नाम हमने लिखा है यहां पे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। दैट मींस फंड इज प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब इंडियन इन्वेस्टर्स फंड प्रोवाइड नहीं करे, वो जितना हम एक दे सकते थे लोन हम ले चुके हैं, अब हम जा रहे हैं फॉरेन मार्केट में। हम लोन जो लेंगे वो कहां से लेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स से लेंगे, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज द कमर्शियल बैंक्स, दैट इज कमर्शियल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड द फॉरेन करेंसी लोन टू द बिजनेस पर्पस। दैट मींस जो हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी क्या करती हैं, सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को फंड्स प्रोवाइड करवाती हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल एजेंसीज। ठीक है, हमने बात करी थी बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इसके लिए काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक्स, दीज बैंक्स आर प्रोवाइडेड द लोन टू द इंडिविजुअल्स हु आर डूइंग द बिजनेस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऐसे इंडिविजुअल जो गुड्स को यहाँ से इंडिया से आउटसाइड इंडिया ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उसके लिए क्या होता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनरीज हैं जो हम जापान से इम्पोर्ट करते हैं, उसके लिए भी क्या करती है, बैंक्स हमें फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, राइट। तो क्या हो गया इनके एग्जाम्पल्स, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस IFC, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। दीज बैंक्स जनरली प्रोवाइड द फंड्स टू द इन्वेस्टर्स हु आर नॉट बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरिटरी, या फिर ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर बिजनेस करना चाहता है, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, उनको क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज डिपेंड्स ऑन साइजेबल बोरिंग्स इन रुपीज। दैट मीन्स क्या होता है कि भाई इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो लोन लेना चाहता है, उन पर्सन को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे होगा, सिक्योरिटी के बेसिस पे। हमें क्या करनी पड़ेगी, अपने शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज को इनके पास रखना पड़ेगा, और उन शेयर्स और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में हमें क्या मिलेगा, लोन मिल जाएगा।
तो इसी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को हमने बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज योर ADR, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. सेकेंड इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट GDR. एंड थर्ड इज FCCBs, दैट इज फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. नाउ वॉट आर दीज, लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा ADR के बारे में. वॉट इज ADR? एज द नेम सजेस्ट, ADR इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. वॉट इज ADR? ADR आर द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. नाउ द फर्स्ट थिंग इज द इंडियन कंपनी The first thing is, we will talk about the Indian company who wants to take the loan from the foreign market. For example, we will talk about Reliance India Limited. This company wants to borrow the funds from the foreign market. Now, this company will keep their shares with the domestic custodian bank. क्या करेगी ये जो कंपनी है जो फॉरेन मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू करना चाहती है, ये कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स को कस्टोडियन बैंक के पास रखवा देगी. फॉर एग्जांपल ये कंपनी GDR इश्यू करना चाहती है $50,000 के, तो ये कंपनी क्या करेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर्स रखवा देगी. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि इस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स किसके पास रखवाए, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास. अब ये बैंक क्या करेगी, ये बैंक इंटीमेट करेगी ओवरसीज बैंक कहां सिचुएटेड होगी, ओवरसीज बैंक सिचुएटेड होगी फॉरेन में. ठीक है, ओवरसीज बैंक कहां होगी, ओवरसीज बैंक सिचुएटेड होगी फॉरेन मार्केट के अंदर. ये ओवरसीज बैंक को क्या इंटीमेट किया जाएगा कस्टोडियन बैंक के थ्रू कि हमारे पास रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर्स आ गए हैं. ठीक है, उसी के बेसिस पे क्या करेगी ओवरसीज बैंक जो GDRs हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स किसको इश्यू कर देगी, इन्वेस्टर को. ठीक है, यहां पे शेयर्स इश्यू नहीं होंगे, शेयर्स के बिहाफ पे क्या इश्यू किया जाएगा, यहां पे इश्यू किया जाएगा रिसिप्ट. रिसिप्ट्स हम इस तरीके से समझ सकते हैं भाई, जैसे हम कोई भी चीज परचेज करके है उसके लिए एक बिल मिलता है, उसी को रिप्रेजेंट करता है क्या रिसिप्ट. तो क्या होगा यहां पे, तो शेयर्स एक्चुअल में रखाए गए, इन शेयर्स का इंटीमेट किया गया ओवरसीज बैंक को कि भाई हमें शेयर्स रिसीव हो गए हैं, ये ओवरसीज बैंक उसी के बिहाफ पे क्या इशू कर देंगे, रिसिप्ट्स इशू कर देंगे. ठीक है, और जो इन्वेस्टर है उसको क्या मिल जाएंगे, रिसिप्ट्स मिल जाएंगे. नाउ अब क्या करेगा ये जो इन्वेस्टर है, ये इन रिसिप्ट्स का अमाउंट ओवरसीज बैंक को देगा, एंड ओवरसीज बैंक क्या करेंगे डायरेक्टली वो अमाउंट किसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, इस कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. राइट, तो ये एक मैकेनिज्म होता है किस चीज का, जब हम फॉरेन मार्केट से कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं और वहां से क्या करते हैं, वहां से फंड्स अरेंज करते हैं. राइट, सो लेट्स नाउ रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फर्स्ट वन इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अब देखिए डिफरेंस क्या आता है दोनों के बीच में, ADR एंड GDR. इफ यू टॉक अबाउट US मार्केट, अगर हम सिर्फ अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो जो मैकेनिज्म हमने समझा वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर अमेरिका से अलग किसी भी चीज की बात की जाए, ठीक है अमेरिका, अब हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, अगर किसी भी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो उसके लिए हमें क्या इशू करना पड़ता है, उसके लिए हमें GDRs इशू करने पड़ते हैं. मैकेनिज्म इज वन एंड द सेम फॉर बोथ ADRs एंड GDRs, लेकिन GDRs अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम बात करें टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज दैट मींस, और दूसरे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जा रही है तो उसके लिए क्या इशू किए जाएंगे, GDRs इशू किए जाएंगे. बट अगर हम ADR की बात करें तो ये सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ है अमेरिकन सिटीजन के लिए, और ये कहां पे रजिस्टर्ड होंगे, सिर्फ अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ही रजिस्टर्ड किए जाएंगे. राइट, नेक्स्ट थिंग इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. देखिए यहां पे क्या होता है, जो मैकेनिज्म हमने समझा, ठीक है कि भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा क्या, यहां पे जो कंपनी आ जाएगी वो आ जाएगी फॉरेन कंपनी. कौन सी कंपनी आएगी, यहां पे आ जाएगी हमारी फॉरेन कंपनी.
ठीक है, यहां पे आ जाएगी हमारी, पहले हम बात कर रहे थे इंडियन कंपनी की, यहां पे आ जाएगी हमारी फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी क्या करेगी, अपनी डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है, अपनी डिपॉजिटरी बैंक का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसी बैंक जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है वहां पे क्या करेगी, अपने शेयर्स को डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, अब ये जो डिपॉजिटरी बैंक है हमारी इंडियन बैंक को क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे कि भाई हमारे पास फॉरेन कंपनी के शेयर्स आ चुके हैं, फॉरेन के लिए हमारी बैंक क्या हो जाएगी, हमारी बैंक हो जाएगी ओवरसीज बैंक। ठीक है, हमारी बैंक क्या हो जाएगी, ओवरसीज बैंक। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टाइप है वो है पंजाब नेशनल बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये जो फॉरेन की बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक को इंटीमेट करेगी कि हमारे पास शेयर्स आ चुके हैं। इसके बेसिस पे जो यहाँ पे इन्वेस्टर बैठा है, जो इंडिया का इन्वेस्टर है फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको क्या कर दिए जाएंगे, उनको IDRs इशू कर दिए जाएंगे। दैट मींस क्या होगा, रिसिप्ट इशू कर दी जाएंगी इस इन्वेस्टर्स को। अब क्या होगा, ये इन्वेस्टर्स हमारे PNB बैंक में क्या करेगा, अमाउंट डिपॉजिट करेगा, और ये क्या होगा, डायरेक्टली पेमेंट किसको कर दिया जाएगा, फॉरेन बैंक को डायरेक्टली डिपॉजिट्स दे दिए जाएंगे। तो मैकेनिज्म क्या है दोनों का, वन एंड द सेम थिंग है। यहां पे अगर हम ADR GDR की बात कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी आती है, इंडियन कंपनी आ जाती है, लेकिन हम बात करें IDR का तो कौन सी कंपनी आ जाएगी, फॉरेन कंपनी यहां पर आ जाएगी, राइट। तो यहां पे क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं GDRs के, तो इनको क्या बोला जाता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली इन एनी अदर सिक्योरिटी। दैट मींस क्या होगा, ये जो GDRs हैं, जो GDRs हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, उनकी ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन एक यहां पे सबसे बड़ा लॉस आता है GDRs या ADRs में, जो वोटिंग राइट्स होता है, क्योंकि देखिए वो शेयर होल्डर नहीं बन रहे, उनको सिर्फ हमने रिसिप्ट दी है, उनको हमने एक्चुअल शेयर्स इश्यू नहीं करे, सिर्फ रिसिप्ट्स दी हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। भाई यहां का जो इन्वेस्टर होगा उसको तो वोटिंग राइट मिलेंगे, लेकिन जो बंदा फॉरेन का है, जो इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन कंपनी में, उसको हम वोटिंग राइट्स नहीं देते। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसा कि हमने पहले भी समझा कि ये सिर्फ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ही रजिस्टर्ड होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट किसी भी हो सकते हैं अमेरिका को छोड़कर। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहां पे इशू होंगे, सिर्फ अमेरिका में ही होंगे, मतलब ये US स्टॉक एक्सचेंज में ही रजिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई अगर फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया के अंदर तो फिर क्या इशू किया जाता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आते हैं। नेक्स्ट इज अवर FCCBs, दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। देखिए क्या होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज दैट आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और डिपॉजिट रिसिप्ट्स आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। दैट मींस अभी क्या होगा, हम बॉन्ड्स इशू करेंगे। बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स इज जस्ट लाइक द डिबेंचर्स, ऐसे ये भी एक तरीके के क्या होते हैं, लोन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ये क्या कर दिए जाते हैं, इशू कर दिए जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को। इनकी एक इंपॉर्टेंस होती है, एक चीज होती है इनके अंदर क्या, कि ये कुछ टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स में या फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में। जो हमने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स पढ़ा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स पढ़ा, उसी के तरह ये चीज भी क्या हो जाती है, या तो हमारी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द फोर्स। देखिए क्या है, कुछ फैक्टर्स है जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स के डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज द कॉस्ट। फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट। देखिए क्या होता है, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड द कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स। दैट मीन्स द इंटरेस्ट वी आर गिविंग टू द लेंडर एंड द इंटरेस्ट वी आर जनरेटिंग फ्रॉम दैट फंड। जो पैसा हमने बोरो किया जिस इंटरेस्ट रेट पे, वो इंटरेस्ट रेट अलग होगी, और जिस अमाउंट पे वो पैसा दिया जाएगा किसको, इन्वेस्टर को, या फिर जहां पे हमने इन्वेस्ट किया, वो रेट अलग होगी। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा दोनों कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और कितना रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। अगर मेरी जो प्रॉफिट की इंटरेस्ट है या मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा रेट से मिल रहा है, तो ही मैं क्या करूंगा, वहां से वो पैसा बोरो करूंगा, वो फंड्स को बोरो करूंगा। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट कम है और मेरे को ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ रही है लेंडर को, तो मैं कभी भी बोरो नहीं करूंगा। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन।
That means the financial strength of the business is also key determined in the choice of the sources of funds. Business should sound financial position. That means अगर हम बात करें कि debentures की, हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स को हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है. दैट मीन्स इफ कंपनी इज नॉट अर्निंग एन एडिक्वेट प्रॉफिट देन ऑल्सो वी हैव टू गिव द रिटर्न टू दीज पीपल्स. बट इफ यू टॉक अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन इन इक्विटी शेयर होल्डर्स द पेमेंट इज ऑनली टू बी डन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. जिस टाइम हम कंपनी बंद करेंगे उसी टाइम हमें क्या करना है, पेमेंट करना है. तो क्या हो गया कि अगर कंपनी का रिटर्न अच्छा नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या करना चाहिए, इक्विटी शेयर्स इश्यू करने चाहिए. बट इफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड, देन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन द डिबेंचर्स कैन बी इजिली इश्यूड. नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स which type of organizations and its legal status. We have already discussed various types of organization, that is partnership firm, joint stock company. हर forms of organization के कुछ merits होते हैं और कुछ limitations होती हैं. अगर हम बात करें proprietorship की, तो उस situation में क्या होगा कि जो loss होगा वो उस individual को ही bear करना पड़ेगा, वो business उसकी life पे depend करता है. तो जिस type की organization है उसी के हिसाब से हमें decision लेने पड़ते हैं. पर्पस एंड द टाइम पीरियड. भाई जो फंड्स लिए जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है. देखिए, जो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इन दैट सिचुएशन वी कैन इजिली इशू द कमर्शियल पेपर्स. बट इफ यू वॉन्ट टू बोरो फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें इक्विटी शेयर्स के तरफ ही जाना पड़ेगा या फिर हमें कमर्शियल बैंक्स के पास ही जाना पड़ेगा. उस केस में ना तो हम ट्रेड क्रेडिट यूज कर सकते हैं, ना ही हम कमर्शियल पेपर्स को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट is the risk profile. The next thing is the risk profile. That means business should evaluate each of the source of the finance in terms of risk involved. That means अगर हम different sources की बात कर रहे हैं, equity shares में क्या risk हो सकती है, preference shareholders में क्या risk हो सकती है, we have to evaluate each and every risk before borrowing the funds. Because we have already discussed in the debentures, अगर debentures हम issue कर रहे हैं तो हमें interest pay करना ही पड़ेगा, अगर हमारी financial position अच्छी नहीं है तो भी. लेकिन अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में कोई कंपल्शन नहीं है दैट यू हैव टू गिव द डिविडेंड. इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट देन ओनली यू कैन अलॉट और यू कैन गिव द डिविडेंड. नेक्स्ट थिंग इज कंट्रोल. अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड्स में बी affected the control and power of the owner. देखिए क्या होता है, if we talk about the equity shares, then the control of the individual is diluted. क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, जैसे जैसे इक्विटीज हम इशू करते हैं मार्केट में, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट डाइल्यूट होते जाते हैं. हमारी नेटवर्क फिक्स है, उसको हम अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, ज्यादा इक्विटी शेयर्स अलॉट करते जाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के राइट डाइल्यूट होते जाएंगे. बट अगर हम बात करते हैं, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या होता है, वोटिंग राइट्स होते हैं और वो वोटिंग राइट्स क्या होते जाते हैं, डाइल्यूट होते जाते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट द डिबेंचर्स, अगर हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो उसमें कोई भी राइट्स डाइल्यूट नहीं होते, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स ओनली वॉन्ट्स द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेस्ट. उनको इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं और उनके जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं वो मेंटेन रहते हैं. नेक्स्ट थिंग इज इफेक्ट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस. इफेक्ट ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस, द डिपेंडेंस ऑन द बिजनेस ऑन सर्टेन सोर्स में इफेक्ट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द मार्केट. दैट मीन्स अगर हम कोई भी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, देखिए अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए गए तो उसके अगेंस्ट तो हमने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखी है, लेकिन जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है उनको क्या होगी, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई हमारा जो फंड है वो तो अनसिक्योर्ड है, कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी हम क्लेम नहीं कर सकते. तो क्या चाहेंगे, अनसिक्योर्ड चाहेंगे कि भाई हमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करो एज कंपेरेटिव टू सिक्योर्ड क्रेडिट होल्डर्स, क्योंकि क्रेडिट जो सिक्योर्ड क्रेडिट होल्डर्स है उनके पास तो क्या है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो कभी भी किसी भी टाइम कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज, अनदर एस्पेक्ट ऑफ अफेक्टिंग द चॉइस इज सोर्स ऑफ द फाइनेंस एंड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स.
देखिए समटाइम्स देर आर वेरियस फॉर्मेलिटीज, जैसे हमने बात करी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उस केस में क्या था, बहुत सारे पेपर वर्क था, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज थी जो हमें फॉलो करनी पड़ रही थी। तो बिजनेसमैन क्या चाहता है कि भाई ज्यादा फॉर्मेलिटीज मेरे साथ ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ ना हो और इजिली फंड्स मेरे को अवेलेबल हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है कि हम इतना टाइम रुके, फंड्स हमारे सेंक्शन हो और उस फंड्स को हम अल्टीमेटली यूज कर पाए, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल विद अवर चैप्टर दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी वेल। प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक अगेन, सी ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड स्टडी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।